नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके अपने पर्सनल फाइनेंस शो में आपका स्वागत है। चर्चा आज लोन्स पर होगी। मनी गुरु में हम आज शामिल करेंगे लोन से जुड़े हुए सवाल, चाहे पर्सनल लोन की बात करें या फिर होम लोन या किसी भी तरह का लोन लेने की अगर आप सोच रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे जो आपके सवालों के जवाब देंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बलवंत जैन अपना पैसा डॉट कॉम से जुड़े हैं। बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। चलिए, शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं कि सवालों को आज हम शामिल करने वाले हैं। पूरे हफ्ते हमें कई तरह के सवाल मिले हैं जिन्हें हमने SMS के जरिए और साथ ही ईमेल के जरिए शामिल किया है। कुछ दर्शकों से भी बातचीत होगी। अलग अलग तरह के लोन्स के बारे में लोग जानकारी लेना चाह रहे हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस वर्सेज फ्लैट रेट, आखिर क्या अंतर है लोन लेते वक्त? अगर ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं, किसको चूज करें, कौन सा बेहतर रहेगा? कार लोन के कुछ ऑफर्स हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। और होम लोन के लिए क्या रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस पर भी चर्चा होगी। शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल अशोक कुमार जी का है, उदिशा से उन्होंने भेजा, फोन लाइन पर भी मौजूद है। नमस्कार अशोक, पूछिए क्या सवाल है आपका। अभी मैम ये है, अभी पर्सनल लोन पे SBI का इंटरेस्ट रेट क्या है? रिड्यूसिंग रेट। ओके, पर्सनल लोन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं अशोक जी। चलिए, साथ ही आपने कुछ मेंशन किया था रिड्यूसिंग इंटरेस्ट की बात आप कर रहे थे, फ्लैट रेट की बात आप जानना चाह रहे थे। ओके, चलिए, अपने बारे में कुछ बता पाएंगे अशोक? आप कहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं, निजी तौर से काम कर रहे हैं या सरकारी नौकरी में हैं? मैं अभी प्राइवेट सेक्टर में कर रहा हूँ। अशोक, आपकी एज कितनी है? 34। एंड आप एनुअल सैलरी अगर आप शेयर कर पाए हमारे साथ? 8.5 लाख। चलिए, ओके। तो अशोक, आपने काफी डिटेल्स हमें दिए। बलवंत आपसे जानना चाहेंगे, अब अशोक जैसे जानना चाह रहे दो मुद्दे हैं इनके पास। एक तो ये कि इनको पर्सनल लोन पर ही जानना चाह रहे, रिड्यूसिंग बैलेंस क्या है, फ्लैट रेट में क्या एग्जैक्टली अंतर होता है, और साथ ही पर्सनल लोन की अगर ये बात करें, इनके प्रोफाइल जैसे इन्होंने बताया प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, करीब करीब 8.5 लाख इनकी सालाना आय है, लोन क्राइटेरिया इनके लिए क्या बनता है, कितना इनको मिल पाएगा, और साथ ही ये जो दो इन्होंने कॉन्सेप्ट की बात की है, रिड्यूसिंग बैलेंस कैसे ये कैलकुलेट होता है और कैसे इसमें ब्याज दर घटती है। देखिए पल्लवी, ऐसा है इनका, अशोक जी का जो पहला प्रश्न है रिड्यूसिंग बैलेंस और फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो दोनों में डिफरेंस ऐसा है। नॉर्मली जैसे आप लोन लेते हैं तो उसका जो भुगतान है आप EMI में करते हैं, तो उसमें दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट इंटरेस्ट का होता है, दूसरा प्रिंसिपल रीपेमेंट का होता है। तो जैसे जैसे आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता जाता है वैसे वैसे इंटरेस्ट का कंपोनेंट कम होता जाता है और प्रिंसिपल का कंपोनेंट बढ़ जाता है। तो उस सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल बैलेंस है हर एक इंस्टॉलमेंट के टाइम में नॉर्मली बैलेंस कैलकुलेट होता है और उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो रिड्यूसिंग बैलेंस हो गया। और जो दूसरा है वो होता है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें जैसे आपने जो लोन लिया है आप भले ही उसका भुगतान कर रहे हैं EMI के जरिए, परंतु आपका जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो आपने जो इनिशियली जो अमाउंट बोरो की है उसके ऊपर ही होता है। तो ये जो फ्लैट रेट जो बोलते हैं वो दिखने में कम रहती है पर इफेक्टिवली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा आती है। जैसे मैंने एक कैलकुलेशन किया कि ये आपने 1 लाख का लोन लिया है 10% के हिसाब से 10 साल के लिए फ्लैट रेट पे, तो अगर आप उसका इफेक्टिव रेट देखेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस पे तो वो करीब 16% के आसपास आती है। लेंडर नॉर्मली क्या है, फ्लैट रेट आपको दिखा देते हैं तो आपको लगता है अरे मेरे को तो 10% में पैसा मिल रहा है, 10% में कहीं मिलता नहीं है, पर इफेक्टिवली आप 16% दे रहे हैं। दूसरा जैसे इनका क्वेरी था पर्सनल लोन का, तो पर्सनल लोन का जो क्राइटेरिया नॉर्मली लेंडर है वो बहुत सेलेक्टिव रहते हैं पर्सनल लोन देने में, क्योंकि इसके सामने लेंडर के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, तो वो नॉर्मली देखेंगे आपकी जो इनकम वगैरह है, आपका जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का प्रोफाइल वगैरह, आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, तो जो रेप्यूटेड कंपनीज है उनके एम्प्लॉयज को या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह उनको थोड़ा ईजीली लोन मिल जाता है। परंतु मेरा सुझाव रहेगा कि अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी देने को हो तो सिक्योरिटी दे के ही सिक्योर्ड लोन ले लीजिए, क्योंकि पर्सनल लोन पर जो रेट इंटरेस्ट है वो 17% से 24% के आसपास है, पर इनका जैसे 8.5 लाख का है तो नॉर्मली जो आपकी मंथली इनकम है उसका 16% से 16
मंथली इनकम से 16 से 20 टाइम्स आपको लोन मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से उनको अगर इनका बाकी प्रोफाइल वगैरह फिट है और इनका कोई एग्जिस्टिंग लोन वगैरह नहीं है तो 10-12 लाख तक का उनको पर्सनल लोन मिल सकता है। परंतु उनका जैसे पुराना जो क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह है, इनका एग्जिस्टिंग लोन वगैरह है, इनका तो कई सारे फैमिली साइज करेगी कंपनी और उनको देखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जय नारायण साहब गाजियाबाद से मौजूद है। नमस्कार जय साहब, पूछिए क्या सवाल है। जी मैडम, मैं कार लोन के बाबत पूछना चाह रहा था कि इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम कितना फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है। जैसे